साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ कि संविधानों की औसत आयु क्या है, कि अगर लोगों के अंदर बंधुता की भावना नहीं है तो ये संविधान के लिए खतरा है। लेकर के कहा कि हिस्ट्री कहीं अपने आप को रिपीट ना करने लगे, क्योंकि हम जाति को और सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर पा रहे। वो कहते थे साफ साफ कि हमारे पास एक बड़ा विजन है, राष्ट्रीय विजन। उन खतरों से बचने का क्या तरीका है, क्या समाधान है? जब एक ऑनर किलिंग होती है या मॉब लिंचिंग होती है धर्म के नाम पर, मुफ्त चिकित्सा हो, अगर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय नहीं है तो आम आदमी के किस काम की डेमोक्रेसी? जाति और उपजाति के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, जैसा कि नोटबंदी के खिलाफ कानून बना कि आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी जाति उपजाति का नाम नहीं लिखेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लगातार लोकतंत्र की यात्रा को सफल बनाया जा रहा है। जब महामानव बुद्ध विनय पिटक लिखते हैं लोगों को कैसा चलना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, प्रशासक को क्या करना चाहिए अपने धम्मपद में और अपने विभिन्न ग्रंथों में घोषणा करते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो अपने आप में एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संविधान बनता है। जब सम्राट अशोक के अभिलेखों में जगह जगह उनकी कितनी प्रतियां थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितनी हमें मिली है उन सब में जो हम पढ़ते हैं कि अधिकारियों को क्या करना है, अधिकारियों को कितने दिनों में निरीक्षण करना है, अधिकारियों को जनता से किस तरह मिलना जुलना है, छठे अभिलेख में लिखा है अधिकारियों को कि जनता से व्यवहार करते समय रूखेपन से, क्रोध से, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से कार्य मत लेना, और मुझे विश्व कल्याण का काम, मानव कल्याण का काम वैसा ही लगता है, उससे मुझे कोई थकान नहीं होती। और हर समय सम्राट अशोक का यह कहना था, आदेश था कि हर समय हर व्यक्ति की बात सुनने के लिए मेरे अधिकारी तैयार हों, उनकी बात सुने और समस्याओं को हल करें। उसी दिन भारतीय संविधान लिखने की प्रेरणा तैयार हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान लिखने को मिलता है। पूरा मौका मिला, धम्मपद को उतार दो, सम्राट अशोक के अभिलेखों को उतार दो, और उन्होंने जितना हो सकता था उतार के रख दिया। जब हम एक एक अनुच्छेद पढ़ते हैं तो लगता है कि बुद्ध का समतामूलक समाज बनकर रहेगा। जब बुद्ध ने कहा होगा किसी समय कि मानव तू अपना स्वामी है, और बाबा साहब मिलाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा देश इकट्ठा हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विरोध कर सके। एक बहुत बड़े विद्वान थे आइवर जेनिंग्स, मैं अपनी बात को जरा थोड़ा ज्यादा छोटा करूंगा, क्षमा करना, 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, एक यहां और कानपुर में भी है। आइवर जेनिंग्स, उन्होंने संविधान पढ़कर के कहा चेन्नई की एक बैठक में कि यह संविधान बहुत थकाऊ है, लंबा है और यह चलने वाला नहीं है। आइवर जेनिंग्स ने कहा, और आइवर जेनिंग्स को श्रीलंका के संविधान के निर्माण में मॉनिटर का काम किया गया कि आप मॉनिटर करेंगे इसको। उन्होंने उस संविधान को बनाया अपने मार्गदर्शन में। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ कि संविधानों की औसत आयु क्या है। कई जगह सर्वे हुई, एक सर्वे के अनुसार 17 साल निकली, एक सर्वे के अनुसार 19 साल निकली, और इस समय लगभग सब संविधान फेल हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लगातार लोकतंत्र की यात्रा को सफल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये
बुद्ध के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, मौर्य साम्राज्य के सिद्धांतों पर आधारित। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा शुक्रगुजार इस बात के लिए होता हूं कि उन्होंने मुझे मेरा नाम अशोक उपनाम दिया। और जब मैं पढ़ा करता था BAMA में इतिहास की किताबें और अशोक के अभिलेख पढ़ा करता था, तो उसी दिन निर्णय ले लिया था कि जिस दिन कलेक्टर या कप्तान बनूंगा तो मेरे दफ्तर के पीछे सम्राट अशोक के अभिलेख दिखाई देंगे। आज भी यहां भी, और जिस दिन से दफ्तर में बैठा, चाहे फील्ड में रहा चाहे एसपीसीटी लखनऊ रहा, हमेशा मैं बाद में बैठता था, सम्राट अशोक के अभिलेख मेरे दफ्तर में पहले लगते। कई लोगों ने टोका कि ये क्यों लगाते हो, क्या इस पर पढ़ के तो देखिए इसमें किसी का नुकसान है क्या, इसमें तो भारतीय संविधान परिलक्षित होता है और पता लगता है कि भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। अब आइवर जेनिंग्स का क्या हाल हुआ, उनके संविधान का क्या हाल हुआ, उनका बनाया हुआ संविधान सिर्फ 6 साल चला और खत्म हो गया। उनकी बुराई करने वालों और संविधान की बुराई करने वालों का सदैव पतन होता रहा। समाज के अंदर बहुत लोग हैं और संविधान से उनके पूछे भाई आपको शिकायत क्या है, तो लोगों को शिकायत होती है नहीं, सब चीज ठीक है, लेकिन एक दो चीज गड़बड़ है, प्रियम भर में सेक्युलरिज्म और आर्टिकल 335 जो सोशल जस्टिस के प्रोविजंस हैं वो नहीं होने चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की, जाति की आवश्यकता है, सांप्रदायिकता की आवश्यकता है, स्वार्थ की, भ्रष्टाचार, सब चीज ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो की है वो भारतीय संविधान ने यह दिक्कत की कि हर आदमी को बराबर अधिकार दे दिए, यहां तक कि औरतों को अधिकार दे दिए बराबर। उन महिलाओं को, जो महिलाएं जिनका अधिकार संस्कारों के नाम पर घूंघट करने के अलावा कुछ नहीं था, उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहां कहां नहीं बिठा दिया इस संविधान ने। वो स्वच्छकार समाज के लोग जो लगता था कहीं कुछ नहीं हो पाएंगे, आदिवासी लोग राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, संविधान रहेगा और हर आदमी के लिए यह अधिकार रहेगा आर्टिकल 326 में राइट टू वोट के द्वारा, कि निश्चित रूप से ये देश भी अखंड रहेगा और ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है इसका सम्मान हमेशा होता रहेगा, दुनिया काम करेगा। इस संविधान में वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अंदर दिए हुए हैं, जो अत्याधुनिक हैं, वो सारे ह्यूमन राइट्स हैं जितने ह्यूमन राइट्स कमीशंस ने वो अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने उनको रखा। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा। लोगों ने शिकायत की कि सेंट्रलाइजेशन क्यों है, उन सबका जवाब दिया बाबा साहब ने। उनकी स्पीच है 25 नवंबर की, ग्रामर ऑफ एनार्की, उसमें जवाब दिया कि सेंट्रलाइजेशन क्यों है। सेंट्रलाइजेशन इसलिए है कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पर एक सा निर्णय लेने के लिए केंद्रीय सरकार का बड़ा हाथ और अपर हैंड होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ आगाह किया उसी स्पीच में कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपना ली, अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं अपनाई तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और समानता से भी ज्यादा, स्वतंत्रता से भी ज्यादा आगाह किया कि अगर लोगों के अंदर बंधुता की भावना नहीं है तो यह संविधान के लिए खतरा है, आपस में अगर प्यार नहीं है तो संविधान के लिए खतरा है। कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, फाइनलिटी है, इनफॉलिबल बना दिया, तो उन्होंने कहा कि ये इतने ज्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ये ब्लेंड है, जब भी चाहेगा
देश और जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहेगी, इसमें वो चीजें बदली जा सकती हैं जिन्हें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीजें जिनको मानवता लोकतंत्र को खतरा हो सकता वो नहीं बदली जा सकती। उसको केशवानंद भारती केस में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो खड़े कर गए सम्राट अशोक, वही है माता पिता की भी सेवा करनी है, पीड़ितों के आंख से आंसू भी पहुंचना, बंधुता की भावना रखने के लिए आप मजबूर भी होंगे। राइट सब मिलेंगे लेकिन आगे आपको ड्यूटीज भी मिलेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि हीरो वर्शिप से नायक पूजा से बहुत बड़ा खतरा होगा हमारे लोकतंत्र को भी संविधान को भी। ठीक है किसी के प्रति कृतज्ञ होना अच्छा है, लेकिन इस हद तक कृतज्ञ होना उचित नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। कोई भी महिला इतनी कृतज्ञ ना हो कि उसके चरित्र पर आंच आए, उसकी अस्मिता पर आंच आए। किसी भी देश या समाज को इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। यह उन्होंने ओकोनेल से लिया था। ओकोनेल बहुत बड़े आयरलैंड के क्रांतिकारी थे कि किसी देश की अस्मिता या समाज की अस्मिता पर खतरा हो। इतिहास के पन्नों से लेकर के कहा कि हिस्ट्री कहीं अपने आप को रिपीट ना करने लगे, पहले भी हम गुलाम हुए, कहीं दोबारा गुलाम ना हो जाए, और अगर हुए तो क्यों होंगे, क्योंकि हम जाति को और सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वो जाति उपजाति को खत्म करना होगा। इस हद तक उसी स्पीच में बाबा साहब ने क्लियर किया कि कोर्ट्स को भी अपना काम करना चाहिए, और जो बैरियर है जिसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया, बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वो बैरियर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ज्यूडिशरी के बीच में बना रहना चाहिए। जिसको कानून बनाना है वो कानून बनाए, जिसको इंटरप्रेट करना है वो इंटरप्रेट करे। सभी को अपनी अपनी हदों में रहना चाहिए, और समाज के अंदर से जो लोग सप्रेस्ड हैं या जो लोग सप्रेसर हैं ऑप्रेसर हैं, वो अंतर खत्म होना चाहिए, मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। ऐसे मेथड्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो सत्याग्रह के हों चाहे हड़ताल के हों, ये सब खत्म हों, इनसे खतरा है समाज को लोकतंत्र को, ये खतरा खत्म होना चाहिए। बाबा साहब के अंदर जो पर्सुएसिव स्किल्स थी, जब वो आर्गुमेंट करने लगते थे तो उनके विरोधी भी उनकी बात हां में हां में आ लगते थे, यहां तक कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से उनकी सहमति नहीं होती थी। लेकिन उस समय के ये खास बात थी कि विरोधी भी और समर्थक भी व्यक्तिगत विरोध को तरजीह नहीं देते थे। वो कहते थे साफ साफ कि हमारे पास एक बड़ा विजन है, राष्ट्रीय विजन, और उसकी वजह से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को अंत में हां कह देते थे। अब आज की तारीख में क्या करना चाहिए, उन खतरों से बचने का क्या तरीका है, क्या समाधान है? हमने दो बार डिलिमिटेशन को आगे बढ़ा दिया 25-25 साल के लिए। लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या 2500 से कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड में लगभग 1500 रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिका के अंदर 535 है, और संख्या हमसे 1/3 से भी कम है। फ्रांस के अंदर 925 है, 6.5 करोड़ जनसंख्या है। इंग्लैंड की जनसंख्या मैंने बताई आपको, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, 17-18 करोड़ से ऊपर है, बहुत कम जनसंख्या, लेकिन 350 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निश्चित रूप से लोकसभा क्षेत्र अगर 2500 से ऊपर होंगे तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। रिप्रेजेंटेशन सभी समाजों का, सभी समूहों का, निजी क्षेत्र में, डिफेंस के अंदर, मीडिया के अंदर होना चाहिए। उससे एकता की और बंधुता की भावना बढ़ेगी, हिस्सेदारी की भावना बढ़ेगी, अंतरजातीय विवाहों को
सुविधाओं से सुसज्जित करना चाहिए। जब एक ऑनर किलिंग होती है या मॉब लिंचिंग होती है धर्म के नाम पर, उसको खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका वही है कि अंतर विवाहों को पूरी तरह से सुविधाजनक बनाया जाए, तभी समाज बदलेगा और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा जो परिचायक होगा वही बंधुता होगी, वही एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुफ्त शिक्षा हो, एक सी शिक्षा हो, संविधान को लोग समझेंगे, बचाएंगे। मुफ्त चिकित्सा हो, अगर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त न्याय नहीं है तो आम आदमी के किस काम की डेमोक्रेसी। उससे अच्छा तो शिफा खाना थे जो सुल्तानों के और बादशाहों के जमाने में थे, मुफ्त इलाज होता था। और आज अगर इलाज बहुत ज्यादा महंगा होता है तो निश्चित रूप से वो आम आदमी के लिए जो लोकतंत्र है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, उसको हटाना पड़ेगा। आरक्षण के जितने भी प्राविधान है नवी अनुसूची में आने चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि बेरोजगारी खत्म हो और लोगों की आस्था पूरी तरह से राष्ट्रवाद के अंदर बढ़े। जाति और उपजाति के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, जैसा कि नोटबंदी के खिलाफ कानून बना कि आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी जाति उपजाति का नाम नहीं लिखेगा। ये सब खतरा है संविधान के लिए, इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं है। जाति ने प्रशिक्षण दिया दिया लोगों को, स्त्री को, पुरुष को, सबको, कि आगे मिलते जुलते, हाथ मिलाते, गले मिलते, बस एक ही बात सोचनी है किस जाति का है, किस धर्म का। दूसरी चीज दिमाग में आती ही नहीं है। निर्वाचन की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो, जितना बेहतर हो सकती है, और जो संवैधानिक बेंच है निर्णयों की, उनके अंदर सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में भी और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर। परीक्षाएं साक्षात्कार विहीन हो और परीक्षाएं अच्छी हों, उनमें कोई जांच के लिए जगह ना हो, ताकि हमारा युवा सोचे कि हमारा भारतीय संविधान, उसका सम्मान इतना है कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त होकर के हमारी नई पीढ़ी को स्वागत करने के लिए तैयार है, वो शासन में आए, प्रशासन में आए। लेकिन जब बेईमानी होती है तो निश्चित रूप से संविधान को चोट लगती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को अच्छी तरह से जिस दिन लागू किया जाएगा, वो भ्रष्टाचार जो एंटी डिफेक्शन लॉ के वायलेशन से होता है, निश्चित रूप से लोकतंत्र और संविधान को सीधे खतरा पहुंचता है। मैं आप लोगों के बीच और रहता, लेकिन बहुत शॉर्ट में करके मैं अपनी बात जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।